खरीफ सीजन 2020-21 के दौरान सरकार किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ फसलों की खरीद कर रही है। खरीफ 2020-21 के लिए धान की खरीद पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तराखंड, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, गुजरात और केरल में सुचारू रूप से चल रही है। 25 अक्टूबर 2020 तक इन राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों से 151.17 लाख मेट्रिक टन से अधिक धान की खरीद की जा रही है। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर जिले में 179 क्रय केंद्रों पर अब तक लगभग 13 लाख क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। 1 अक्टूबर से शुरू हुई धान खरीद के सापेक्ष 23 करोड़ रुपए का भुगतान भी किसानों को किया जा चुका है। अपर जिलाधिकारी नजूल जगदीश चंद्र कांडपाल ने बताया कि क्रय केंद्रों पर धान की आवक पहले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है। हमने जनपद में 179 क्रय केंद्र स्थापित किए और क्रय केंद्रों में विगत वर्ष के सापेक्ष काफी अधिक मात्रा में इस बार खरीद हुई है और लगभग 13 लाख क्विंटल की खरीद अभी तक हो चुकी है। जबकि आप जान रहे हैं कि अभी धान खरीद का सत्र यदि विगत वर्ष के हिसाब से देखें तो लगभग शुरू ही हुआ है, क्योंकि विगत वर्ष हमारे 17 अक्टूबर तक खरीद लगभग नहीं थी। वहीं मलसा किच्छा निवासी किसान आशीष बांगा का कहना है कि प्रशासन द्वारा खोले गए क्रय केंद्रों पर सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर हमारी धान की खरीद हुई। क्रय केंद्रों पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मैंने अपना सारा धान यहां पर MSP के रेट से दिया है, तुलवाया है। यहां पर क्रय केंद्र में बहुत अच्छी सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है और जो रेट दे रही है गवर्नमेंट MSP 1868 रुपये का एक रेट जनरल रेट है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस रेट से हमें कोई परेशानी नहीं है।